महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतािर होते हैं अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं गरीब पिस्ता है लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते मकरूज जिन अजियत का शिकार है तीन दिन हैं ना ईद के तो एक जोड़े से भी गुज़ारे जा सकते हैं हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में हमारे मोहल्ले में हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें बच्चों को देखें सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें मसाजद मदारस से निकलते बच्चों को देखें हम ना एक एक दो दो का साथ दें ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं जिनकी हुकूमत थी जिनकी है पता नहीं कल किसकी आएगी मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है इनके पास कोई प्लान ही नहीं है कि तो बेचारे एक दूसरे की टाँगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं ना उम्मीद है कुछ करेंगे लेकिन गरीब की तकलीफ बढ़ गई है मेरे पास बीसियों लोग आते हैं आते तो वो दुआ का कहने हैं आते तो सिर्फ यह बताने हैं कि इस मुश्किल में हूं दुआ करना लेकिन दोस्तों लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ होती है हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं जेनी कर्ब के नीचे लोग आ गए इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं थोड़ा थोड़ा देखो दो का खाना तीन भी तो खा ही सकते हैं ना तीन का खाना चार भी तो खा ही सकते हैं ना मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है करीम ने आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो इसी को बढ़ा लो थोड़ा शोरबा बढ़ा लें थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें दस्त शफकत रखें गलियों में सुनसान लोग अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं और तमाशा अलग से बन जाएगा दोस्तों हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है जो लोग साइब सर्वत हैं देखो एक ही बाप की औलाद होती है एक को अल्लाह बड़ा नवाज़ देता है दो तीन कमज़ोर रह जाते हैं उसको चाहिए वो दूसरों पर दस्ते शफकत रखे एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के एक ही इलाके के एक आगे निकल गया है उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे हज़रत याशा सदीका रदी अल्लाह ताल अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी हजरत स्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी तो वो कनीस कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियाँ पका देती दे थी वो तो मेरे मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी लेकिन कोई दरवाजे पर अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है मैं चाहती हूं वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ़ रमज़ान में ही करनी है और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है वरना राशन वंडन वाले लोग को ईदों बाद भी भुख लग दीजिए ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है लेकिन तवज्जो नहीं इल्म का भी माना जानने के होते हैं इल्म हासिल किया जाता है किसी चीज़ की मारिफत को हासिल करने के लिए जब हम कोई इल्म हासिल करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें उस चीज़ के नफ़ा और नुकसान का पता चल जाए और जब हम दीनी इल्म हासिल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमें रज़ाइल और ख़साइल इन दोनों की ख़बर हो जाए ख़ैर क्या है शर क्या है उसमें तमीज़ का मलका हमें नसीब हो जाए अच्छाई और बुराई खुल कर हमारे सामने वाज़ हो जाए ये मकसूद होता है इल्म से इल्म से तालीम से मकसद ज़्यादा बातें करना नहीं होता एक आदमी बहुत ज़्यादा बातें करता है तो शायद बड़ा आलिम है एक शख्स बहुत ज़्यादा गुफ्तु करता है तो उसके पास मालूम ज़्यादा ऐसा नहीं बल्कि हज़रत अब्दुल्ल इबन मसूद रदी अल्लाह तु से जब किसी ने पूछा था कि बड़ा आलिम कौन होता है तो आप फरमाने लगे जो रब से ज़्यादा डरे वो बड़ा आलिम है और दलील उन्होंने ये दी कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इन नमा यकशल्ला हम इबादल अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो रब से डरते हैं तो दीनी तालीम उसकी मालूम हासिल करने की कोशिश करें सही करें कुरान मजीद की एक एकाए करीमा का कुछ हिस्सा जो मैंने तिलावत किया उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया अपने महबूब से कहा वक़ुर रब इल्मा। ए महबूब आप मेरी बारगाह में यह दुआ मांगें आप ये अर्ज करें कि ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर दे ए मालिक मेरे इल्म में इज़ाफ़ा कर दे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी ज्यादती ठीक नहीं होती वो ज्यादा हो जाए तो नुकसान करती लेकिन इल्म में ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में रब करीम ने कहा कि महबूब आप दुआ मांगें कि आपको ज़्यादा इल्म दिया जाए और फिर इल्म एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी आदमी ये दावा ना करे कि मैंने बड़ा हासिल कर लिया है मेरी अब तकमील हो गई है मैं अब मुकम्मल हो गया हूँ जिनको अल्लाह ने गैब के ख़ज़ानों की कुंजियाँ दी हैं ना उनसे भी रब करीम ने कहा है कि महबूब आप दुआ करें कि मालिक मेरे इल में इजाफा कर दे तो जब वहाँ तक ये बात है तो फिर आम आदमी को भी चाहिए कि वह अपनी मालूम में इजाफे का शौक पैदा करे और तीसरी बात यह कि जो हजूर के शरीफ़ पर बात करते हैं वो भी इस आयत से सीखें कि हज़ूर का इल्म तो हर रोज़ हर रोज़ रब उसमें इजाफा फरमा रहा है तो हर रोज़ इजाफा हो रहा है भला आखिर तो खैरल्ला का मिनलूला हर रोज़ तरक्की हो रही है हुजूर के इल्म शरीफ की भी तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बात इसलिए सीखते हैं कि मैं कोई कहीं से मसला सीखूंगा फिर जाके अपनी मस्जिद के इमाम को तंग करूंगा कि वहाँ तो मैं ये सुन के आया हूँ तो यहाँ ये काम क्यों नहीं होता मैं कोई बात सीखूंगा तो फिर मैं उससे बहस का दरवाज़ा खोलूंगा इल्म का मतलब ही अपने आप को संवारना है मालूम हासिल करने का मतलब ये कि आपके अमल में पुख्त गिरए आपके किरदार में पुख्तगी आए आपने जो सीखा है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालें मुस्लिम शरीफ में मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है अः अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो इल्म तो हो पर नफ़े वाला ना हो जिस बंदे के इल्म ने उसे नफ़ा नहीं दिया वो कुछ सीख नहीं सका उससे तो उसका इल्म किसी को क्या नफ़ा देगा जब खुद से उसने और सूफिया के तो फरमाते हैं कि जो लोग बड़ी मालूम हासिल कर लें बड़ी बातें सीख लें पंचायत में किसी को बोलने ना दें घर में किसी को बोलने ना दें बहुत सारे लोग तो मामा को भी मशवरा देते हैं बड़ी बातें करे लेकिन अमल के लिहाज से बंदा ज़ीरो हो तो हेले दिल फरमाते हैं उसकी शोब से बचो उसे बड़ा पता है बड़ी बातें आती हैं बड़ी बातें आती हैं, बाते हैं। बड़ी बातें करता है लेकिन गुफ्तगु की हद हाँ तक तो बहुत बड़ा है अमल के मामले में सिफर है बहुत सारे लोग मस्जिद के उजरे में मीटिंग हो रही होती है और वो लंबी लंबी दलीलें और मशवरे दे रहे होते हैं नमाज का टाइम आ जाए तो के चले जाते हैं कहते हैं मैं अपने महलदी मसीहतें पढ़नी कईयों को काम याद आ जाता है फरमाया कि शख्स के पास मालूम बड़ी हों लेकिन अमल के मामले में बंदा जीरो हो तो उसे बचना क्यों इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करता है वो कहता है मैं ये काम नहीं करता तो ये 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 मेरे पास दलील है वो तो बेअमली को भी मुजजिन कर देगा अल्लाह। तो दीनी तलीम एक तो हासिल इसलिए करें कि हमने अपने आप को संवारना है और दूसरा इल्म का शौक़ तबीयत में हो देखे ना अल्लाह के हबीब अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जो इल्म के रस्ते पे चल पड़ा वो जन्नत के रस्ते पे चल पड़ा है जुमों में महफिलों में कानों के जायके के लिए ना आए इसलिए आए कि मेरे इल्म में मेरे अमल में ये कोई इजाफे की बात बनेगी मैं को नसीहत हासिल करूँगा तो मेरे दिल का जंग उतरेगा हमारे यहां यहाँ लोग मज़े के लिए आते हैं और आज कल लोग फोटो के लिए आते हैं इन दो कामों से निकल कर खालस असलाह की नीयत से म का शो हमारे यहाँ तेज़ी से एक हरकत की गई का वकार ख़राब किया गया और लोगों को दीनी दीनीम से दूर किया गया और इसमें बाज़ बेचारे वाइजीन और ख़ुतबा ने भी किरदार अदा किया जब जाली पीर की तरीफ़ें खोल के कें और उसे पता नहीं कहाँ तक ये स्टेज होते हैं ना इनमें को बंदा अच्छा लगे भी तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए तारीफें उसका कोई फायदा नहीं है उसको उस बंदे को तो दुआ का फायदा है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे दुआ दें उससे ज्यादा कुछ नहीं करें और हमारे यहां जनाब वो नकीबे महफल बेचारे की शामत आ जाती है अगर तारीफें थोड़ी करें तो कहते हैं ना ही नहीं लेना हूँ वो भाई इसके नाम लेने से आपका होता है। तो इल्म और आलिम इन दोनों चीजों से कौम को दूर किया गया दीनी तालीमत का फुकदान है जो मैट्रिक तक लोग साठ सत्तर किताबें पढ़ जाते हैं उन्हें भी कुरान पाक ठीक से नहीं पढ़ना आता दूर किया गया आप मुझे बताइए चले एक मस्जिद ही आप देख लें उस मस्जिद के अंदर अगर एक तरफ एक आलिम दीन मिशका शरीफ खोल के बैठे हों हदीस पाक का दर्स हो रहा है या बहारे शरीत खोल के बैठे हैं फिकी मसाइल बयान किए और उसी मस्जिद में एक बाबा जी जुब्बा पहन के तगड़ा सा बड़ी सी पगड़ी बांध के और पाँच सौ दाने वाली तस्बी लेके बैठे हैं अब एक बंदा अंदर आता है तो वो किधर जाएगा आलिम की तरफ के बाबा जी की तरफ वो क्यों जा रहा है भला बाबा जी की तरफ वो इसलिए कि हमने उसे ये बताया ही नहीं कि जिस तरह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह पढ़ना इबादत है ना इसी तरह दाराबा दाराबा पढ़ना भी इबादत है उसे हमने बताया नहीं कि जब तक इल्म का इल्म के रस्ते में रहना भी इबादत है जब तक उसे यह समझ नहीं ना आएगी कि जिस तरह वजायफ की किताब पढ़ना इबादत है इसी तरह मिशका शरीफ पढ़ना भी इबादत है हदीस बुखारी का दर्श लेना भी इबादत है मुस्लिम शरीफ की अदीस पर अपने से बैठ कर दरूस पाना भी इबादत है। जब तक यह पूरा मिजाज देखे ना नबी पाक सल्ला व्म ने फरमाया रात की एक घड़ी भर दीन सीख लेना सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है अब हमें समझना चाहिए कि किताब पढ़ के भी बंदा रब रसूल तक पहुंच सकता है किताब किताबों सुन्नत रास्ता आसान करते हैं लेकिन हमारे यहाँ क्या मिजाज दिया गया है बाबा जी के पास चलो ज़रूर जाए बाबा जी अगर मेरे कहाँ तो मना कोई नहीं कर रहा लेकिन जो सोच हमें हुजूर ने दी है हमने उसी की सोच के मुताबिक अपने मामला को तरतीब देना है ना अब एक बात मैंने आपसे पूछी और आपने कहा कौम सारी बाबा जी की तरफ जाएगी हदीस पाक किस तरह है अल्लाह के महबूब मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए दोनों जानब लोगों के हल्के बने हुए हैं लोग बैठे हुए हैं एक हल्के में लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं जिक्र हो रहा है एक हल्के में बैठ के एक आलिम किताब और सुन्नत का दर्श दे रहे हैं एक सियाबी और बाकी सुन रहे हैं ख़ास तवज्जो करें नौजवान मेरी बात पर रसूल करीम सल्लाम दोनों के बीच खड़े हो गए और करीम ने फरमाया दोनों महफले खैर की हैं दोनों ही हल्के खैर के हैं और फिर हुजूर फरमाने लगे मुझे चूंकि रब ने उस्ताद बना के भेजा है मैं चूंकि मअम बन के आया हूँ यतल कम आया तयी कम मैं चूंकि किताब सुन्नत की तालीम के लिए आया हूँ ये लफ्ज़ कहते कहते हुजूर उस जमात में बैठ गए जो दीन पढ़ और पढ़ा रही थी हुजूर वहाँ बैठे जहाँ बात दीन की हो रही जहाँ लोगों को अल्लाह रसूल की बात बताई जा रही तो जुमे में वक्त पे आए अपनी दीनी मालूमत मजबूत करें और अपने लिए मजबूत करें मैं आपको बड़े दर्द से ये बात अर्ज करता हूं अगर दिन में सौ लोग मसला पूछते हैं ना शरीयत का तो उनमें पचानवे लोग वो होते हैं जो तलाक का मसला पूछते हैं वालिद साहब ने बेटी के वालिद साहब ने दो महीने पहले ऑर्डर दिया होता है फर्नीचर का बेटे की शादी हो तो महीना पहले शेरवानी वाले को भी कहना पड़ता है गाड़ियाँ बुक करानी पड़ती हैं मैरिज हॉल बुक ये सारे लवाजमात हम करते हैं सारा कुछ किया गाड़ी से घर बसना है मैरिज हॉल से बसना है फर्नीचर से बसना है हमने सारा कुछ उनको बताया लेकिन काश दो घंटे बच्ची किसी मुल्लिमा के पास जाती बच्चा किसी उस्ताद के पास जाता निकाह तलाक़ के मसले भी सीखते मैं दावे से कहता हूं अगर हमें पता चल जाए कि तीन तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए क्योंकि दे दें तो हो जाती हैं अगर हमें समझ आ जाए कि नहीं देनी चाहिए ये मसला बयान हो और ये ये वाले मसले हम महवलों में भी नहीं बयान कर सकते इसलिए कि लोग कहेंगे मसला तो वो बयान करेंगे इस पर नारे लगेंगे आप आपको को यह क्या बता रहे हैं ये तो छोटा आलिम बताता है माजअल्ला इस तरह की बातें तो बड़ी बड़ी को नुकते की बात बताएं और इस तरह हमारे यहां वो एक घंटा पहले नहीं कहते तगड़े हो जाओ मैं जुमला देने लगा वो पता नहीं जुमला आ रहा है कि आइटम बम आ रहा है तैयार हो जाओ जो, जो मेरा जुमला ज़ाया ना करना इधर भाग के चला गया उधर भाग के आ जाओ अल्लाह जाने वो जिस तरह कभी लगता है ना पटारी से अल्लाह जाने क्या निकलेगा मैं जुमला देने लगा हूँ तो मैं कहता हूँ तू तो आराम से बैठ के भी जुमला दे दे तेरे जुमले से क्या निकलेगा और तू जुमला ना दे हमें कोई आयत दे तू जुमला छोड़ हमें कोई अजीज पाक सुना यानी हर नकीब हर खतीब हर नाथ का उठ के कहता है सारा कुरान ही झूर की तारीफ है ओ भैया अगर सारा कुरान ूर की तारीफ है तो चंद आते पढ़ दे फिर तू भी तूने पढ़ी तो एक भी नहीं और तू कहता जा रहा है सारा कुरान ही हजूर की तारीफ है ये वाली तारीफ भी तो सुना ना कौम को जो ये बच्चे इनके उस्ताद इन्हें सिखा रहे हैं और ये सीख रहे हैं इस तरफ भी तो सफ़र करें तो मेरे अजीज अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाए तबाह होने से बड़े बड़े घर बच जाए लेकिन मसाइल नहीं आते मेरे पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए तो चार पाँच साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को तीन तलाकें दी थी तो छोटा सा बच्चा कपड़े भी फटे पुराने और हालत बता रही थी कि गरीबी है तो जब मैंने मसला बताया कि तीन तलाकें हो गई हैं तो वापस जाने लगे तो बच्चा मुझसे कहता है देहाती आदमी देखने लगा मौलवी साहब मेरी अम्मा तो नानी कहनी असन है सन के आई आप किनसी लहदा लहदा ही रहना है तो उस बच्चे की नौ की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा तो क्योंकि बाप ने तलाक दे दी किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को तालीम से आगाही नहीं किया और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं मेरी तरह के लोग अच्छे वाला माँ की बात नहीं करता वो कह देते हैं देखो जी लोगों को जनाजा नहीं आता भईया आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान जी ठीक नहीं आता तो यहाँ तो बेचारी बीबियां जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने शौक हो कुरान पाक पढ़ाना है बेवा हो गई हूँ तलाक याफ्ता हो गई हूँ सारी रिंद की कुरान पढ़ाऊंगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते क्यों इस तरफ सफ़र नहीं करते एक तो दीनी मालूम में दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और जौक पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है जो मामला मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है एक तो अपना ये मिजाज बनाएं और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंजर कायम होता है मंजर वो बनता है कि हजरत अबू हुरारा भी दीन सीखा करते थे हजरत उमर भी साबा में रहा करते थे हजरत मालिक भी रहा करते थे और ऐसा मंजर बनता है कि हजरत सैदा खतीजतबरार्ला फरमाती हैं सैदा फातमा हजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हजूर उन्हें बतारे होते थे सैयद आशा हजूर से दीन की बातें पूछती चौथा हिस्सा हमारी फिका के उ हजरत फातमा की हजरत आयशा सिदीका की मरवियात पर मबनी है अगर, अगर, अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताबों सुन्नत पर आ जाए तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों हु। दीनी तालीम का मिजाज और जौक, जौक। और दूसरी आय करीमा तिलावत की अल्लाह करीम ने कुरानी मजीद ने फरमायाजीना मनु वाहली नारा है ईमान वालो खुद भी दोजक की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ ओ वालिद वो माँ जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे क्यूं? क्यों अजान शुरू हो गई अजीज भाई जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती लेकिन इस नीत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे ईद पे कैसे गुजारा करेंगे मुश्किल से भी कपड़े खरीद के देते इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से प्यास से मायूसी से बचाते हैं इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोजक्स की आग से बचाने की हज़र उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ने अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह तसल्मा इस आया करीमा का माना क्या है तो महबूब करीम सलाम ने फरमाया उमर जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं अपने घर वालों को उनसे रोको अपने घर के अंदर नफाज दीन करने की कोशिश करो मेरे भाई बहुत ज्यादा आजमाइश है हमारे घरों में बेचैनियां हैं इसतराब है बच्चों में सख्ती है बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं मिजाजों में तलखी आ गई क्यों भला इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था बच्चे तकरीब बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं अगर माँ बाप में हौसला हो सब्र हो इत्मीनान हो खुददारी हो थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो देखे ना आज डिप्रेशन है टेंशन है पैनिक अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीजें आ गई क्यों भला? सबर नहीं तहमुल नहीं बुरदबारी नहीं आजमाए एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा मेरे घर वाले कहने लगे खाना छोड़ दे पहले इसकी बात सुन ले मैंने कहा पुत्र क्या हुआ किसी ने मारा है किसी उस्ताद ने कहने लगे नहीं हजरत घर फोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है बच्चा कांप रहा है टांगे कांप रही है मैंने कहा क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है कहने लगे नहीं आपको पता नहीं वो बड़ा सख्त लड़ते हैं मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चार पंजों के नीचे छुप जाते हैं हमें खौफ आता है वो मंजर खतरनाक होता है ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को यहाँ बैठे हमारे यहाँ मिलों दूर रहते थे उसके घर वाले तो वो तकलीफ़ में था तो घर में क्या कैफियत होगी अगर हौसला हो सब्र हो कनात हो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो हमारे घरों में सुकून आए इत्मीनान आए हम जो ज़िंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं हमारे मिजाजों का लालच हमारी तबीयतों की बेराह हमारी झूठी अना का बुत उन सारी चीज़ों को खत्म कर देता है अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें जिस किरदार में मोबाइल भी हो जिसमें गाड़ी भी हो जिसमें पैसे भी ला के अब्बा दराज में रखता हो लेकिन वालिद का घर में मुसल्ला भी मौजूद हो उसकी कोई तस्वीर भी हो वो ये भी कहता हो कि खुदा ने अपने फजल से आज पाँच हज़ार दिया है तो इसमें एक हज़ार गरीबों का भी है इसमें थोड़ा सा मैंने मैंने अल्लाह की रजा के लिए भी रखा है अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो बाप और माँ को सब्र करता हुआ देखते हो अगर एक बाप कर बात करे तो दूसरा बर्दाश्त करता हो खुदा रहा औलादों को इस अजियत का शिकार ना करो अपने घरों के अंदर वो खुदारी वो प्यार वो वकार वो मोहब्बत वो अंदाज आप थके हुए हैं कोई शक नहीं आप बहुत सारे मसाइल का बाहर शिकार होंगे कोई शक नहीं लेकिन आप बाहर से थक के आए हैं और अगर आप बाहर अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं और दफ्तर के बड़े हैं तो घर में भी तो आप बड़े हैं ना आपकी माँ भी तो इंतज़ार कर रही है उसने भी तो दुखड़ा सुनाना है ना आपको आप ये देखिए कि आपके बच्चे भी तो इंतज़ार कर रहे हैं वो चाहते हैं कि अब्बा आके बैठे तो हम उनके सीने पर चढ़ के थोड़ा खेलें आपकी अहलिया मुंतजर हैं कुछ बातें बीवी किसी और से नहीं कह सकती सिर्फ अपने शोहर से कहती है लेकिन वो तो आते ही जलाल में आ गए साहब वो कहने लगे तू बड़ी नालायक है मैं थका मांदा आया हूँ तूने मुझे कहानी सुना दी है वो उस खातून से शिद्दत के साथ पेश आने लगे मेरे रसूल पाक की हयात नूर को देखो हजरत उम्म ऐमन गजूर की रज़ाई हैं उनकी भी खिदमत हो रही है हजरत हलीमा शादी आ रही हैं तो खिदमत हो रही है हज़रत अब्बास हजूर के चचा हैं तो करीम फरमाते हैं मेरे चचा हैं बाप की जगह पे हजूर दोस्त अहबाब सिहाबा ग़ुलामों सब के साथ प्यार कर रहे हैं नौ अजवाज मतहरात हैं घर के अंदर और कैफियत ये है कि हजूर सिर्फ उनकी ज़रूरतों का ही ख्याल नहीं करते ख्वाहिशात का ही ख्याल नहीं करते बल्कि मेरे करीम का तरीका यह है कि कोई बंदा आज बोल क्या रहा है वो कहाँ खड़ा है आज उसके जुमले किस तरह के हैं उसका लहजा किस तरह का हो गया है और उसे ठीक कैसे करना है महबूब इसका ख्याल फरमाते तवज्जो करते मैं कहता हूँ कि हम सबको शौक आया है आराम करने का मैं सुबह ग्यारह बजे से पहले अपने घर से निकल आया था और यह वक्त आ गया है और रात को खुदा जाने किस वक्त घर पहुँचना है कई दफ़ा कैफियत ये होती है कि गाड़ी से उतरते हैं तो फिर दिल करता है कि कोई उठा के चलाए ना कभी इसके बावजूद बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं कि हमसे मिल के नहीं गए फोटो नहीं खिंचवा के गए फलानी जगह चाय नहीं पी के गए ये तसलसल है लेकिन मैं जितना मर्जी थका माँदा घर जाऊंगा ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर जाऊं तो बड़ी टेंशन में जाऊं मेरी घर वाले एक दिन मुझसे कहने लगी आपने कभी नहीं कहा कि मैं थका हुआ या बंदा थक भी तो जाता ही है ना अभी कहां करें ना मैंने उसे पता क्यों नहीं कहता इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये कहें कि हमने दीन नहीं पढ़ना हमारा बाप तो बड़ी मुश्किल में है हम अपने काम के बारे में अपने घर में शिकवे करते हैं आप किसी बच्चे से पूछने कौन सा काम करना है क्या जेडा अब्बा जी कर दे रहे वो नहीं करना क्यों कि अब्बा जी हर रोज तो कहते हैं मैं बड़ा उलझ गया हूँ यह काम बड़ा मुश्किल है मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को यह बताऊं कबूतर मैं तो जिधर जाता हूं फूल ही फूल है मैं तो जिधर से गुजरता हूं मोहब्बत ही मोहब्बत है मैं तो जिधर से देखता हूं दुआएं ही मिलती हैं ताकि उनका शौक पैदा हो मेरे अजीज आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें अगर आप एक की वजह से पूरा घर सुकून में आ जाता है तो आप दिल बड़ा क्यों नहीं करते जगह ढूंढते हैं बस मुझे कोई तंग ना करे कोई मेरी बाप बा माँ बदौलत को कोई परेशान ना करे बुखारी शरीफ सुनिए हज़रत आयशा सिदीका रजी अल्लाह बैठी बैठीए हुजूर फरमाने लगे आयशा आज एक बात ना बताऊँ तुम्हें यारसोल्ला बताइए हुजूर फरमाने लगे जब तुम तो मुझसे नाराज़ होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है और जब राज़ी होती हो फिर भी पता चल जाता है तो हजरत सैयद आयशा सिद्दीका बात सुन के बड़ी खुश हुई यारसुल्ला वो कैसे हुजूर फरमाने लगे कभी कभी तुम कसम उठाती हो यारस हाँ फरमाया जब होती हो ना राजी खुश तो फिर कहती हो मुझे रब मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तुम मेरे नाम के साथ रब करीम का नाम मिला के कसम उठाती हो रब मोहम्मद की कसम यार सुल्ला बिल्कुल ऐसे ही है और फरमाया जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है ना तो फिर तुम कहती हो मुझे रब इब्राहिम की कसम फिर तुम रब मुहम्मद नहीं कहती ये बुखारी मुसलमे मौजूद है हजरत सिद्दीका ने तो बात सुनी तो खेल गई तबीयत कहने लगी करीम सद के जाओ यहाँ यहाँ तक ख्याल फरमाते हो किसके जुमले कहाँ पहुँच गए यहाँ तक ख्याल है फरमाया मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी कैफियत क्या है कहाँ खड़ी हो ओ भाई हम तो अपनी मां का भी ख्याल नहीं रखते हमारा बाप कहाँ बेचारा खड़ा है वो तो इंतजार में था कि को दस मिनट मेरे पास बैठेगा तवज्जो ही नहीं जज्बात का ख्याल ही नहीं हजरत या शाहक का बात सुन के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मुझे रब मोहम्मद की कसम हो मैं सिर्फ नाम छोड़ती हूँ मेरे दिल में हर वक्त मदीने वाले महबूब ही रहते हैं नाम ही छोड़ती हूं सिर्फ ओ मेरे दोस्त थोड़ा सा जा और दूसरा अर्ज करूंगा दौलत अगर बहुत आली चीज होती ना बहुत कीमती तो सबसे ज्यादा सैयद आयशा के घर में होती अगर पैसों से ही सो खाता तो पैसे सबसे ज्यादा हजरत फातिमा तज़हरा के काशाना नूर में होते ओ मेरे भाइयों सोना वक्त मोहब्बतों से गुजारा जा सकता है ओ भाई मैंने तो अपने घर में ये देखा कि मेरे वालि साहब गर्मी आती तो फरमाते ओ लो भाई थानू तो उन परवाह नहीं मैं तो पड़ोले च दाने पा देते तो ने मर्द माँ ने ने जचार पा देता है लो अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पर भी वक्त बड़ा अच्छा गुजरता था इस पर भी टाइम बड़ा अच्छा छः छः खाने खा के बच्चे नखरे कर रहे हैं मैंने अपने वाली साहब से एक दिन कहा मैं क्या अब भाजी तुहू तो पसंद किए फरमान लगे पुत्र जे तो लगी हो वे पोख फिर तार शाही और अगर भूख ना हो तो फिर नखरे ही नखरे हैं फिर क्या पसंद होना है तबीयत नहीं अपने घरों में अपने दोस्तों में इतमान पैदा करें इस तराब से बाहर आए और एक बात और अर्ज़ करनी है याद रखना तकरीर बाहर चलती है घर में नहीं चलती घर में अमल चलता है घर जाके आप लेक्चर देना नमाज पढ़ा करो नमाज पढ़ा करो नमाज़ पढ़ा करो नमाज़ पढ़ा करो नमाज पढ तो कोई नहीं पढ़ते घर वाले आप घर में नमाज खुद शुरू कर दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घरों को कब्रस्तान ना बनाओ कुछ नफली नमाजें घर में भी पढ़ा करो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ है दरवाजा हुजूर के घर का मस्जिद में खुलता था लेकिन नबी करीम वसल्लम क्या करते थे हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा करते थे घर में हुज़ूर तो की नमाज़ पढ़ते अगरचे घर में दुशारी थी कुछ इबादात कुछ नमाजें घर के अंदर भी इंसान पढ़े आखिरी गुजारिश आप हजरात से करनी है इतना बड़ा मजमा है इतने सारे लोग तशरीफ़ लाए हैं एक गुजारिश आप हजरात की खिदमत में रख के बस मैंने बात को समेटना है दो बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं एक तो दीनी इल्म का जौक पैदा करें और दूसरा अपने घरों में थोड़ा ठहराव लाएँ थोड़ा सा अपने ये बच्चों के दस्तार फजीलत का अज्तम था इसलिए मैंने ये बात अर्ज़ की अपने घरों में थोड़ा हौसला कनाअलाएँ हज़रत आयशा सदी का रदी अल्लाह फरमाती हैं ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था लेकिन फरमाती हम इशार कर दिया करते थे हज़ूर का मिजाज एसार कर देने का है याद रखना शमा से अगर कई शम में जल जाएँ तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती हजारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते महंगाई बड़ी जोर की हो गई गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासर होते हैं अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं गरीब पिस्ता है लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते मकरूज़ जिन अज़ियत का शिकार है तीन दिन हैं ना ईद के तो एक जोड़े से भी गुज़ारे जा सकते हैं एक से भी अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में हमारे मोहल्ले में हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें बच्चों को देखें सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें मसाजद मदारस से निकलते बच्चों को देखें हम ना एक एक दो दो का साथ दें ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं जिनकी हुकूमत थी जिनकी है पता निकल कल किसकी आएगी मैं तोी तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है इनके पास कोई प्लान ही नहीं है ये तो बेचारे एक दूसरे की टाँगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं ना उम्मीद है कुछ करेंगे लेकिन गरीब की तकलीफ बढ़ गई है मेरे पास बीसियों लोग आते हैं आते तो वो दुआ का कहने हैं आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ दुआ करना लेकिन दोस्तों लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं जेनी कर्ब के नीचे लोग आ गए इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं थोड़ा थोड़ा देखो दो का खाना तीन भी तो खा ही सकते हैं ना तीन का खाना चार भी तो खा ही सकते हैं ना मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है करीम ने फरमाया आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो इसी को बढ़ा लो थोड़ा शोरबा बढ़ा लें थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें दस्त शफकत रखें गलियों में सुनसान लोग अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं और तमाशा अलग से बन जाएगा दोस्तों हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है जो लोग सही बरबत हैं देखो एक ही बाप की औलाद होती है एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है दो तीन कमजोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के एक ही इलाके के एक आगे निकल गया है उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे अजीज भाइयों हमने इस मह कमर तोड़ महंगाई के दौर में मैंने जुमे में मैं अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियां करनी तो है ही तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं यहाँ फ्रिज और फ्रीजर बड़ी से पहले ज्यादा बिकते हैं फ्रिज नहीं ले आओ बड़ी ले आओ चूंकि गोहित सेव करना है सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों मैंने तो कहा था उस गाँव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा जिभा वहाँ जाके कर लो थोड़ी सी गुंजाइश बनाए अपने दिलों में ये जरूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताल अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियाँ पका देती थी वो तो मे मेरे मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी लेकिन कोई दरवाज़े पर अगर मांगने आता तो हज़रत से दीखा मुझे कहती है इसे खैरात दे आओ तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही हैं मैं कर दूं तो हजरत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है तो मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें और ये ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा तो बाद बंदा गरीबी में तलख भी तो हो ही जाता है ना बात इंसान पर गुरबत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे हो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फ़ैसला करते हो उसकी तो बती कोई नहीं जाती तुम्हें क्या पता हो वहाँ तो ऐसी भी एक मिनट के लिए बंद नहीं होता ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी ये छोटी ईद गुजरी थी ना तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ़ रमज़ान में ही करनी है और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है वरना राशन वंडन वाले लोग को ईदों बाद भी पुख लग दीजिए ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है लेकिन तवज्जो नहीं